भैया रास्ते में चलते चलते पेट्रोल हो चुका है खत्म और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना चल चुकी है। और भाई सच में यार मुझे यकीन नहीं है कि इतना बाइक चलने के बाद ऐसा एवरेज देगी। देखो तो देखते दोस्तों ये पैकेज मिला है और कितने किलोमीटर की है, 45 किलोमीटर की है, 1 घंटा 41 मिनट दिखा रहा है भाई। वाह भाई वाह, क्या मौसम हो रहा है भाई, ये सब खड़े अपना मजे ले रहे हैं भाई। ओ भाई साहब क्या मजा आ गया भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर एकांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। तो भाई साहब एक बार और मैं रैपिड और ऊबर की राइड आपके लिए लेके आ गया हूँ, मजेदार एक्सप्रेशन और जो है क्या कहते हैं, अबे जल्दी बोल, रिएक्शन लेके आ गया हूँ मैं। फटाफट से जो है मैं घर से निकला ही था और कॉल आ गई, तो ये आई है रैपिडो में कॉल, पिक करते हैं कस्टमर को। ओ भाई गिरते गिरते बची बाइक। सुबह का मौसम है, बड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है यार। ये जो सुबह की राइड है ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, देखते हैं सुबह कितने दिन कम होती है। इसने कहा है कि सुबह करो और 12 बजे तक घर आ जाओ, फिर शाम को करो 3-4 बजे से रात को 9-10 बजे तक घर आ जाओ। तो मैं कहा चलो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं मेरे पास बड़ा वाला हेलमेट है, एक्चुअली थोड़ा सा गीला लग सकता है बॉटल की वजह से आपको। अब बैठ जाइए मैम, चलो कोई नहीं। हाँ ये आप एक काम करते हो क्या? मैं भी यहाँ पे टाटा स्काई में किया था मैंने पहले, बट मेरा रिजेक्ट हो गया। हाँ यहाँ पे प्रोसेस बहुत सारे हैं। 48 मैम, मैम 2 रुपये। थैंक यू मैम, चलो जी 48 रुपीज की राइड थी। A few moments later. सीन कुछ ऐसा है कि शाम के हो चुके हैं 4:30 और मैं निकल चला हूँ रैपिडो और उबर की राइड पे। सुबह इतनी ज़्यादा राइड नहीं मिली थी तो इस वजह से मैं घर पे आ गया था, और थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी मेरे को। बाकी मैंने रेस्ट किया, अपना ब्लॉग वगैरह एडिट किया आप लोगों के लिए, और बस अब क्या कहते हैं मैं निकल चला हूँ और देखते हैं आज अब कितनी मेरे को राइड मिलती है। उबर मैंने ऑन कर लिया है, प्लस मैं रैपिडो को भी ऑन कर लेता हूँ। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि कल मेरा जब रिजर्व में आ गया था तो रिजर्व में आने के पे मैंने पेट्रोल डलवाया था 2 लीटर, ठीक है। तो अब जो है मेरी चल चुकी है आई थिंक ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी देखेंगे कि 2 लीटर में मतलब 1 लीटर में कितना ये एवरेज दे रही है, माइलेज क्या दे रही है मेरी बाइक, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वैसे मैंने ऑन कर दिया है, बाकी चलते हैं, अपने आप जो है कॉल वगैरह आ जाएगी। इसमें ना एड्रेस अपडेट नहीं हो पा रहा था तो मैं आपको कैसे बताऊँ। ये सिल्वर सिटी की तरफ है क्या मैम? हाँ ये टावर 1 में जाना है, पर टावर 1 नहीं आ रहा था इसमें। तो ये दोस्तों नोएडा की राइड मिल चुकी है और चलते हैं नोएडा। 47 मिनट्स दिखा रहे हैं, 28 किलोमीटर। चलो इस राइड को कंप्लीट करते हैं, बाकी मज़ा आएगा भाई मज़ा आएगा। ऐसी ऐसी लंबी राइड्स मिल रही है तो मज़ा आता है यार काम करने में। तो भैया मैं आपको बता दूँ माइलेज का, मैंने आपको बताया था कि मैं माइलेज चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि माइलेज कितना दे रही है। तो भैया रास्ते में चलते चलते पेट्रोल हो चुका है ख़त्म और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना चल चुकी है। और भाई सच में यार मुझे यकीन नहीं है कि इतना बाइक चलने के बाद ऐसा एवरेज देगी। देखो ट्रिप ए को मैंने किया था 0 और ट्रिप ए कितना चलो 109.3, यानी कि जब मैंने इसमें रिजर्व में आ गई थी और तभी मैंने पेट्रोल डलवा लिया था 2 लीटर, और तभी मैंने जो है ट्रिप ए को 0 कर दिया था। तो और तब से अब तक जो है 109.3 किलोमीटर चल चुकी है। इसको मैंने 70 की स्पीड पर भी चलाया, 80 की स्पीड पर भी चलाया है, जाम में भी चलाया है, पिलियन के साथ भी चलाया है, गलियों में भी चलाया है, हर तरीके से इसको टेस्ट किया है। और भाई सच में मतलब एक तरीके से आप एक ये मान के चलो 1 लीटर में 54 या 55 का माइलेज दे रही है मेरी बाइक भाई साहब। और मेरी बाइक चल चुकी है 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा, तो मेरी बाइक जो है बहुत बढ़िया माइलेज दे रही है भाई। मैं तो लोगों से कहता था कि 50 और 55 के बीच में दे रही है, मतलब 50 के आसपास ही दे रही है, लेकिन नहीं भाई इसने तो भाई दिल खुश कर दिया, 55 के आसपास का 54-55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है मेरी बाइक, वो भी 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद। भाई साहब होंडा बाइक से
होंडा की बाइक सच में अमेजिंग है यार, दिल जीत लिया भाई। और जैसे मैंने इसको मेंटेन करके रखा है भाई, मज़ा आ गया भाई। तो चलो अपना जो है ये पैकेज डिलीवर करते हैं। रुका हुआ मैं अभी भी 10 मिनट दिखा रहा है, 4.9 किलोमीटर जाना है। ये सीन कुछ ऐसा है कि जो है ना कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, तो सोसाइटी में यहाँ पे गार्ड को एक बार बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे है, तो उनको बोल दिया है। बाकी जो है देखते हैं क्या होता है। भैया एक डिलीवरी पैकेज और आया है ऊबर पे, आप पीछे बांधना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा है क्या? बड़ा तो है, दिखा दो आप एक बार मेरे को, क्योंकि मेरे पास ना कुछ बांधने के लिए तो है नहीं। बंजी कॉर्ड वगैरह कुछ है आपके पास? कुछ पंजी वगैरह कुछ है? ये तो बहुत बड़ा है भैया, मुश्किल हो जाएगा मेरे को ले जाना। तो देखते दोस्तों ये पैकेज मिला है और कितने किलोमीटर की है, 45 किलोमीटर की है, 1 घंटा 41 मिनट दिखा रहा है भाई। वाह भाई वाह, क्या मौसम हो रहा है भाई, ये सब खड़े अपना मजे ले रहे हैं भाई। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है नदी की नदी साफ हो गई है भाई, अल्टीमेट। और हवा जो है ना इस तरफ को फेंक रही है भाई। ओ भाई ओ, तो भैया देख सकते हो बारिश पड़ गई है तगड़ी वाली, क्या बात है भाई। भाई साहब, ओ भाई भाई साहब, आज तो पूरा भीग जाएंगे यार। थैंक यू भैया, वाह ये तो भाई साहब क्या मजा आ गया भाई। ओ तेरी तो भैया इसको पार्सल को डिलीवर करना है ऊपर सेकंड फ्लोर पे। चलो जी हाँ भैया, ये सेकंड फ्लोर तो बंद है, अभी कोई गार्ड है नहीं, गार्ड होंगे कोई नीचे ही है सब। हाँ भैया वो बारिश की वजह से ना लेट हो गया, जाम ही इतना था। फर्स्ट फ्लोर नीचे सबसे नीचे ही दूँ ना फिर मैं, नीचे आ जाओ फिर मैं फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ हाँ भैया बंद हो गया, तो भैया कह रहे नीचे दे देता हूँ मैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही भैया। ये कोड़ी इनको दे दो, सेकंड फ्लोर पे रख देना ठीक है। क्या चीज़ वो एक मिनट आपका, फिर आप नहीं जा रहे क्या भैया? ऊपर बंद है ना, बंद है, बंद हो गया, बंद है, तू रख दियो मैं इसके बारे से कर लूँगा।